सी फूड इनसाइड चिकन। अमृतनगर के गांव में दिनेश कहकर एक खाना बनाने का मास्टर रहता था। वो शादियों में खाना पकाता था। शादी में खाना खाए अतिथि लोग दिनेश को बुलाकर उनका बहुत तारीफ करते थे। एक दिन उस गांव का जमींदार जयराम के बेटी के शादी में दिनेश ने खाना पकाया। उस शादी में ऑस्ट्रेलिया में बहुत मशहूर हुआ शेफ एंटोनी अतिथि बनकर आया। वो खाना खाने के लिए बैठ गया। दिनेश ने बनाया हुआ रोटी और पालक पनीर खाने लगा। इतने में जयराम उधर आकर, मिस्टर एंटोनी, आइटम्स अच्छे हैं क्या? हमारे शेफ दिनेश ने बनाया तो वो अमृत जैसा रहते हैं। इनको इस अगल बगल गांव में बहुत नाम है। उनको एक महीने से पहले ही बुक करना है, नहीं तो ये आदमी नहीं मिलेगा, पता है? कहा। तब एंटोनी, क्या खाली इस पकवान के लिए आपको उनका इतना प्रशंसा करना है क्या? एक बार उनको बुलाइए, फिर कहता हूँ, कहा। तब जयराम दिनेश को बुलाया। तब एंटोनी, व्हाट इज दिस मिस्टर दिनेश, तुमने जो बनाया है ये खाली वेजिटेरियन डिशेस के लिए इतना बिल्डअप जरूरी है क्या? तुम शेफ नहीं हो, कुक हो, ये याद में रखो। शेफ कहे तो वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेज भी बनाना चाहिए। सब लोग बनाते हैं, ऐसा रेगुलर पकवान छोड़कर एक नया तरीके का पकवान बनाना चाहिए, समझ में आया? कहा। तब दिनेश, सर इधर शादी में नॉन वेज नहीं बनाते हैं सर, इसलिए मैंने चिकन और मटन जैसा आइटम्स नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि मुझे नॉन वेज बनाना नहीं आता है। कहा। तब एंटोनी, अरे चिकन मटन तो कोई भी बना सकते हैं, सी फूड से वैरायटी बनाना है। सी फूड बोले तो पता है ना, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ऐसा पानी में समुन्द्र में रहने वाले, तुमने कभी उनको देखा है क्या? पूछा। तब दिनेश, सर एक काम कीजिए, कल जमींदार के खेत में आइए, मैं आपको नॉन वेज बनाकर खिलाता हूँ, उनको स्वाद करके तब बताइए। कहा। तब एंटोनी, क्या मुझसे ही चैलेंज करते हो? ठीक है, फिर तो कल मैं खेत में आकर तुम क्या कर सकते हो वो भी देखता हूँ, तुम कितना अच्छा पकवान है ये सबको पता जैसा करता हूँ। कहा। अगले दिन दिनेश उनका कुछ असिस्टेंट्स के साथ खेत में खाना पकाना शुरू किया। वे लोग मुर्गी का पंख निकालकर पूरा मुर्गी को तैयार किए। एक बड़ा सा बर्तन में मछली, झींगे और केकड़े भी थे। तब दिनेश चिकन के अंदर मैरिनेट किया हुआ मछली, झींगे और केकड़े को घुसाया। ऐसा 4-5 फुल मुर्गी में सी फूड स्टफिंग किया। उन मुर्गियों को रॉड्स में लगाकर बारबेक्यू करने लगा। इतने में एंटोनी और जयराम उधर आए। तब एंटोनी उन बारबेक्यू मुर्गियों को देखकर जयराम से, मैं तो कहा था ना ये दिनेश आखिर में चिकन ही बनाएगा। इस चिकन को तो सड़क पर भी तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम इतना दूर आने का क्या जरूरत है, इसका स्वाद देखना भी वेस्ट है, चलिए जाते हैं। कहा। तब जयराम दिनेश के ओर निराश होकर देखा। तब दिनेश, सर खाली देखकर आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप सच में इतना महान शेफ हो तो थोड़ा स्वाद करके बताइए। तब एंटोनी, हाँ हाँ ठीक है, रखो रखो स्वाद करता हूँ। तब दिनेश एक फुल मुर्गी को प्लेट में रखकर एंटोनी को दिया। तब जयराम हैरानी से देख रहा था। तब एंटोनी एक छोटा सा चाकू से उस मुर्गी को काटा। उसके अंदर से अच्छा सा खुशबूदार मछली, झींगे और केकड़े दिखाई दिए। तब एंटोनी हैरान रह गया। एक फोर्क लेकर चिकन के साथ वो सी फूड को भी खाया। तब एंटोनी कुछ भी कहे बिना उस मुर्गी को और वो पूरा सी फूड को खा लिया। वो क्या बोलेगा कहकर जयराम और दिनेश देख रहे थे। तब एंटोनी, अरे वाह भाई दिनेश, मुझे ये सी फूड चिकन डिश कैसा करना है सिखाओ, अगर मैं इस डिश को हमारे देश में किया तो देश में ही नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा, मुझे तुम्हारा शिष्य समझकर सिखाओ प्लीज, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। तब जयराम को हंसी आया। तब जयराम, एंटोनी ऐसा रो मत, हमारा दिनेश को गुरु दक्षिणा देकर सीखो, ऐसा आइटम्स ये रोज एक नया बना सकता है और इनका पकवान आपके देश में बनाओ, लेकिन पेटेंट राइट्स तो दिनेश का ही होगा, और तुम्हारा टीवी शो में जब तुम इनका पकवान बनाते हो तो तुम्हारा रेम्यूनरेशन में आधा इसको बेचना चाहिए, समझे? कहा। तब एंटोनी, जरूर सर जरूर, आप जितना भी कंडीशंस रखो मुझे तो ओके है, इनको खाली मुझे सिखाने के लिए कहिए बस। कहा। तब दिनेश जयराम को प्रणाम किया। दिनेश चिकन में सी फूड स्टफ करके कैसे बनाते हैं ये एंटोनी को सिखाया।
तब एंटोनी दिनेश को प्रणाम करके पैसे दिया और एंटोनी विदेश से भेजा हुआ पैसों से दिनेश अच्छा आर्थिक रूप से बच गया। ऐसे ही दिनेश सी फूड को चिकन में डालकर अच्छे से बना के लोगों को भी उसका स्वाद का आदत किया।